Hello students, today let's start the first chapter of the Magic Lantern 5th Class English book, Bindiya's Victory. The entire village of Gopchupur was excited and they had every reason to be. Even old Amma couldn't remember the last time she had seen people so happy about an event. This talent festival is going to change the village forever, she remarked to anyone who stopped by her hut. A city organization had sent some people to hold a talent festival in the village and it was giving away big prizes to the winners. Only children below thirteen years of age were allowed to participate. Parents rushed to enroll their children for one event or the other. So यहाँ पे हम स्टोरी पढ़ रहे हैं गुपचुपर विलेज की गुपचुपर विलेज पूरा विलेज बहुत एक्साइटेड था और उन, उनके पास पूरा रीजन था एक्साइटेड होने का इवन ओल्ड अम्मा वो भी याद नहीं कर पा रही थी कि लास्ट टाइम उसने कब लोगों को इतना ज्यादा खुश देखा था एक इवेंट के लिए यह टैलियन फेस्टिवल विलेज को पूरी तरीके से बदलने वाला था ऐसा वो हर उस पर्सन से कहती थी जो कि उसकी हट के पास जाके रुका करता था। ए सिटी ऑर्गेनाइजेशन हैड सेंड सम पीपल टू होल्ड ए टैलेंट फेस्टिवल इन द विलेज। एक सिटी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ लोगों को एक टैलेंट फेस्टिवल विलेज में ऑर्गेनाइज करने के लिए भेजा था और वो बड़े बड़े प्राइजेस दे रहे थे लेकिन उसमें जो सिर्फ थर्टीन ईयर्स से कम एज के चिल्ड्रन थे वही पार्टिसिपेट कर सकते थे और पेरेंट्स बहुत तेजी के साथ अपने चिल्ड्रन को इस टैलेंट फेस्टिवल में एनरोल कराने के लिए जा रहे थे वन ऑफ द विलेजर्स बाबूलाल हैड ए डॉटर एंड ए सन नेम्ड बिंदिया एंड बुन्नू वन इवनिंग ही अनाउंस्ड बिंदिया बुन्नू नाउ बोथ ऑफ यू आर पार्ट ऑफ द टैलेंट फेस्टिवल टू आई competition and डाउन name नेम फॉर bicycle रेस डू योर बेस्ट चिल्ड्रन तो उनमें से ही एक विलेजर था बाबूलाल उसकी एक डॉटर और एक सन था जिनका नेम बिंदिया और बुन्नू था एक इवनिंग को वो अनाउंस करता है कि बिंदिया बुन्नु अब तुम दोनों भी टैलेंट फेस्टिवल का पार्ट हो मैंने बिंदिया का नेम फॉल डांस कंपटीशन के लिए दिया है और बुन्नू का नेम बाइसिकल रेस के लिए दिया है तो चिल्ड्रन तुम अपना बेस्ट देना बिंदिया एंड बुन्नू वर नॉट एज प्लीज एज हियर थॉट दे वुड बी बुन्नू सेड बापू आई एम स्केर्ड ऑफ बाइसिकल्स आई कैन बेरली राइड वन आई डोंट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन ए रेस यू नो आई प्रिफर डांसिंग बिंदिया ऑल्सो पेप्ट अप बाबू बापू बुन्नू इज राइट यू हैव गॉट इट अप आई लाइक साइकिलिंग एंड आई हेट डांसिंग तो यहाँ पे क्या हो रहा है जो बिंदिया और बुन्नु थे वो इतने प्लीज नहीं हुए इतने खुश नहीं हुए जितना कि बाबूलाल ने सोचा था बुन्नु कहता है कि बापू मुझे तो बाइसिकल से डर लगता है साइकिल से डर लगता है और मैं बेयरली बहुत मुश्किल से ही एक साइकिल चला पाता हूँ और मैं इस रेस में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता और आप जानते ही हैं कि मैं डांसिंग को प्रेफर करता हूँ डांसिंग को पसंद करता हूँ उसी तरीके से बिंदिया भी बोलती है कि बुनू सही कह रहा है आपने पूरा मिक्सअप कर दिया है मुझे साइकिलिंग पसंद है और मुझे डांसिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है नाउ वॉट नॉनसेंस बाबूलाल स्कॉल डेट आई वॉजेंट बॉय एक्ट लाइक ए गर्ल एंड माई डॉटर बिहेव लाइक ए बॉय आई विल बी द लाफिंग स्टॉक ऑफ द एंटायर विलेज इफ माई सन स्टार्स डांसिंग बाबूलाल स्टोम्ड आउट ऑफ द हट लेकिन बाबूलाल उन दोनों बच्चों की बात सुनकर कहता है वॉट नॉनसेंस तुम लोग ये क्या बोल रहे हो मैं नहीं चाहता कि मेरा बॉय एक गर्ल की तरह एक्ट करे और मेरी डॉटर एक बॉय की तरह अगर ऐसा होगा तो मैं लॉफिंग स्टॉक बन जाऊंगा मतलब पूरा गांव मेरी हंसी उड़ाएगा जब वो देखेगा कि मेरा संतो डांस कर रहा है और इस तरीके से अपनी बात के वो उस हट से बाहर निकल जाता है दीदी वॉट डू वी डू नाउ

मिल जाती है काउ का दूध निकालती हुई मिल जाती है और वो पूरी स्टोरी अपनी मदर को सुना देते हैं हम सो योर फादर थिंक्स दैट बॉयज डोंट डांस एंड गर्ल्स कांट टेक पार्ट इन रेसेस सेड देयर मदर पर एवस दैट इज बिकॉज नो वन हैज एवर डन सच थिंग इन आर विलेज बट दैट डजेंट मीन इट कैन नेवर हैपन आई एम वेरी हैप्पी दैट यू वॉन्ट that you want to do things differently. Doing something new and different requires courage. All right, let's give your father a surprise, but you must promise to practice hard so that you do your best in the competition. तो उन दोनों की बातें सुनकर उनकी मदर कहती हैं कि अच्छा तुम्हारे फादर को ऐसा लगता है कि बॉयज डांस नहीं कर सकते और गर्ल्स रेसेस में पार्ट नहीं ले सकतीं। हाँ उन्हें ऐसा लगता ही होगा क्योंकि अभी तक हमारे विलेज में किसी ने ऐसा नहीं किया है लेकिन ऐसा तो नहीं कि कोई चीज अगर कभी नहीं हुई है तो वो आगे भी नहीं होगी और मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूं कि तुम दोनों की सोच अलग है अलग हटके तुम कुछ करना चाहते हो डूइंग समथिंग न्यू एंड डिफरेंट रिक्वायर्स करेज अगर तुम कुछ नया करते हो और कुछ डिफरेंट करते हो तो उसके लिए करेज हिम्मत की जरूरत पड़ती है ऑल राइट right, हम तुम्हारे फादर को एक सरप्राइज देते हैं लेकिन तुम उससे सिर्फ एक प्रॉमिस करो कि तुम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और अपने कॉम्पिटिशन के लिए बहुत अच्छी तैयारी करोगे वी प्रोमिस चिल्ड्रन रिप्लाइड हैप्पीली चिल्ड्रन बहुत खुशी से रिप्लाई करते हैं वी प्रोमिस हम प्रोमिस करते हैं ट्रू टू दे वर्ड द चिल्ड्रन गॉट अप अर्ली एवरी डे टू प्रैक्टिस बोनू रिहर्स्ड हिज डांस स्टेप्स इन द फील्ड्स नियर देयर हाउस वाइल्ड बिंदिया पैडल थ्रू ऑल द विलेज रोड्स टू बिल्ड अपर स्टेमिना और अपनी बात रखते हुए जो चिल्ड्रन थे वो अब लगातार प्रैक्टिस करने लगते हैं बुन्नू अपने डांस स्टेप्स को अपने घर के पास जो खेत था उसमें प्रैक्टिस करता है और बिंदिया भी विलेज की रोड पेडल पैडल, पैडलिंग करती है जिससे कि वो अपना स्टेमिना बढ़ा सके soon the big day arrived. a voice crackled over the speaker: "participants of the cycle race are requested to come to the start line with their cycles." babulal's eyes nearly popped out of his head when he saw not bunnu but bindiya among the boys. she was the only girl in the line. she was even wearing bunnu shorts instead of the skirt she usually wore. तो अब बिग डे आ जाता है जिस दिन का सबको इंतजार था वो दिन आ गया है ए वॉइस क्रैकल्ड ओवर द स्पीकर स्पीकर पे वॉइस सुनाई देती है कि साइकिल रेस के पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो स्टार्ट लाइन पे अपनी साइकिल्स के साथ आ जाएं। बाबूलाल की आंखें फटी रह जाती हैं जब वो देखता है कि इस साइकिल रेस में बुन्नू नहीं आया है बल्कि बिंदिया आई है और बिंदिया अकेली गर्ल है उस लाइन में और बुन्नू के शॉर्ट्स पहने हुए हैं बट इट वॉज टू लेट फॉर हिम टू डू एनीथिंग ए लार्ज क्राउड हैड गैदर्ड ऑन आदर साइड ऑफ द ट्रैक रेडी स्टडी गो शाउटेड द रेफरी एंड द चिल्ड्रेन स्पेड ऑफ ऑन देअर बाइसिकल्स फियरिंग दैट द विलेजर्स वुट मेक फन ऑफ हिम बाबूलाल टर्न अबाउट टू लीव द ग्राउंड देन ही हर्ड इट शियर दैट टोकम बाय सरप्राइज बिंदिया 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 The 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 villagers were chanting as they saw her her overtake most of of boys in the race. There was only one boy ahead of her now. तो बाबूलाल कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि एक बड़ा सा क्राउड ट्रैक के दोनों ओर इकट्ठा हो गया था रेडी go की आवाज आती है और चिल्ड्रन तेजी से अपनी बाइसिकल्स को बढ़ा लेते हैं अब बाबूलाल को लग रहा था कि पूरा विलेज उसका मजाक उड़ाएगा और वो उस ग्राउंड से जाने की तैयारी करने लगता है लेकिन जैसे ही वो जाता है तो उसे एक वॉइस सुनाई देती है जिससे वो सरप्राइज हो जाता है सभी लोग चिल्ला रहे थे बिंदिया 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 और वो ऐसा इसलिए चैन कर रहे थे क्योंकि जो बिंदिया थी उसने लगभग सारे बॉयज को ओवरटेक कर लिया था और सिर्फ एक बॉय रेस में बिंदिया से आगे था दाव She tried her best. Bindya was unable to get past him. She crossed the finish line second. People were clapping their hands and congratulating her, but Bindya was disappointed. She felt that she had let her mother down. Suddenly, someone clasped her by the waist and lifted her up. Babulal had hoisted her up on his shoulders. She may have come second, but the entire village वॉज शेयरिंग फॉर हर बाबूलाल वॉज सो प्राउड ऑफ इज डॉ तो बिंदिया पूरी कोशिश करने के बाद भी उस बॉय को ओवरटेक नहीं कर पाती और वो लाइन में सेकंड ही आ पाती है रेस में सेकंड ही आती है लेकिन लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे और उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे जबकि बिंदिया खुद बहुत डिसअपॉइंटेड थी निराश थी उसे लग रहा था कि उसने अपनी मदर को किया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं किया है लेकिन सडनली उसे कोई अपनी बाहों में उठा लेता है ये बाबूलाल था जिसने बिंदिया को उठाया था बिंदिया चाहे सेकंड आई हो लेकिन उसने पूरे विलेज में अपना नाम कर दिया था बाबूलाल अपनी डॉटर पे अब प्राउड हो सकता था अपनी डॉटर पे गर्व कर सकता था कम वी मस्ट शेयर फॉर बुन्नू टू His performance starts shortly," said Babulal happily. Bindiya felt like a winner. Seeing her father's pride in her effort was the best prize she could have won. Old Ammi, witness to the many changes that the village had seen through the years, broke into a toothless smile. She lifted a hand to the skies and said, "I knew there was a change coming. This time, it is a good one." तो अब बाबूलाल आगे बोलता है कि चलो अब हम बुन्नू के लिए भी चेयर करते हैं उसकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है अब बाबूलाल का माइंडसेट था वो बिल्कुल चेंज हो गया था उसकी सोच अब बदल चुकी थी बिंदिया फेल्ट लाइक ए विनर बिंदिया अब अपने आप को एक विनर समझ रही थी जब उसे ये पता चलता है कि उसके फादर उसे उस पर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं यही उसके लिए बेस्ट प्राइस था ओल्ड ओल्ड अम्मा जो कि बहुत थी और उन्होंने विलेज में बहुत सारे चेंजेस देखे थे अब उनके चेहरे पर भी एक टूथलेस स्माइल आ जाती है मतलब उनके मुंह में दांत नहीं है और इस तरीके से वो हंसती हैं शी लिफ्टेड ए हैंड टू द स्काईज एंड सेड वो अपने एक हाथ को आसमान की तरफ उठाती है और कहती है कि मैं जानती थी कि एक चेंज आने वाला है एक परिवर्तन आने वाला है एक बदलाव आने वाला है और इस बार आया हुआ बदलाव कुछ अच्छे के लिए है सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी ए पर्सन टैलेंट एंड इंटरेस्ट आर नॉट डिटरमाइंड बाय देयर जेंडर एक पर्सन का जो टैलेंट होता है और उसके जो इंटरेस्ट होते हैं वो हम उसके जेंडर से डिटरमाइन नहीं कर सकते मतलब बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग टैलेंट हो सकते हैं लेकिन हमें